राज्य में बढ़ते ठंड के प्रकोप के बाद शहर के डीसी छवि रंजन ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। इसमें जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं सभी सीओ को निर्देश दिया गया है कि शहर और ग्रामीण इलाकों के चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की जाए। चूंकि ठंड बढ़ने से सड़क किनारे जिंदगी बिताने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों का बचाव हो सके। रांची डीसी से बातचीत की संवाददाता इमरान ने। रांची में कड़ाके की ठंड है और ऐसे में लगातार ठंड बढ़ने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ऐसे में शहर के बीचों बीच विभिन्न जगहों पर रांची के जो उपायुक्त हैं, डीसी हैं, वो निरीक्षण करने निकले हैं कि किस तरह से व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। चूंकि कड़ाके की जिस तरह की ठंड है, ऐसे में वैसे लोग जो सड़कों पर रात बिताते हैं, राहगीर हैं, उनके लिए जो ठंड होती है वो परेशानी का सबब होता है। ऐसे में उनकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रांची डीसी खुद सड़कों पर निकले हैं निरीक्षण करने। क्या कुछ इंतजाम के निर्देश दिया था सर आपने, क्या कुछ दिख रहा है सर के? देखिए, अचानक से ठंड जो है रांची शहर में बढ़ गई है, इसलिए शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सभी अंचल अधिकारी को अलाव की व्यवस्था के लिए बोला गया है और कंबल वितरण हमारा एक महीना पहले से ही चल, और उम्मीद करते हैं कि अभी से लेकर जब तक ठंड रहे तब तक प्रत्येक दिन सभी के लिए अलाव की व्यवस्था की जाएगी। आपने पूर्व में भी तैयारियों का जायजा ले रहे थे, बैठक के दौरान निर्देश भी देते हैं, ग्रामीण इलाकों का क्या कुछ निर्देश रहा है सर, किस तरह का रहेगा? ग्रामीण इलाके में पूर्व में से ही अलाव की व्यवस्था की गई थी और वहाँ पर भी सभी जगह का आज हम लोगों ने मुआयना भी किया है, निगरानी की है, फोटोग्राफ के माध्यम से सबका GPS लोकेशन मंगवाया है और ग्रामीण क्षेत्र के भी मुख्य चौक चौराहों पर भी ग्रामीणों के लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। रांची के डीसी जी देखो खुद सड़कों पर निकले हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किन जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। चूंकि अचानक ठंड बढ़ने से सड़कों में जो लोग बिताते हैं, राहगीर होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, उन लोगों को परेशानियों का जो आलम है वो बढ़ जाती है। ऐसे में अलाव की जब व्यवस्था होती है विभिन्न चौक चौराहों पर तो उनसे उनको राहत काफ़ी देखने के लिए मिलती है। मौके पर सारे सीओ को निर्देशित किया गया था कि वो विभिन्न चौक चौराहों पर जो अलाव की व्यवस्था है वो मुकम्मल व्यवस्था करें ताकि जो सड़कों पर रात बिताते हैं उन लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना ना पड़े। वहीं इस मौके पर रांची डीसी ने अपने साथ जो कम्बल है वो जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण भी किया। कैमरामैन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।